हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वनकम। आज नॉर्सेट 2021 और ESIC स्पेशल पीडियाट्रिक स्पेशल क्लास का स्पेशल टॉपिक दैट इज अ रिफ्लेक्सेस हम पढ़ेंगे। और आज के इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। यदि आपको कोई वीडियो डिस्प्ले करता है और वीडियो को देख के आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा रिफ्लेक्स है, तो हाउ यू कैन डिटेक्ट, हम वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्सेस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम रिफ्लेक्स को आज कवर कर पाऊँ। यदि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और पार्ट आपके लिए डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। बस आप सभी का प्यार और स्नेह हमेशा बना रहे, मैं अपने तरफ से एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और ऑलमोस्ट आज की इस क्लास में काफी लोगों ने JINC का लोगो जो है वो चेंज किया, JINC का लोगो पुट किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक लोगो नहीं लगाया वो लोगो लगाना नहीं भूले, इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अब्राहम, विष्णु, गीता जाट, लक्ष्य, मिस्टर मिंटू, मोनिका जांगिड़, हरिओम, नामा, नरेंद्र सारस्वत, प्रिया, ज्योति, किरण, जोगेंद्र, नीरू, अनीता, मुकेश, नरेंद्र, दुर्गा, पिंकी, लाल सिंह, JINC हब, आप सभी को एक बार फिर से वेरी 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 गुड इवनिंग। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको पढ़ने के बाद आप जिंदगी में कभी दोबारा भूले ना, यही मेरी कोशिश होगी। काफी एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लंबे समय तक रिमेंबर कर पाए और आपका सपना, आपके परिवार का सपना और JINC का सपना है हर फ्यूचर नर्सिंग और ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब तक पहुंचे। तो इस इंपॉर्टेंट कड़ी को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जब तक आप जीत नहीं जाते, जब तक आप जीत नहीं जाते हैं तब तक किसी को आपके कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपके कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ। बहुत ही ट्रू लाइन है, बहुत ही ट्रू लाइन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपके कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ। लोग दौड़े चले आएंगे आपकी कहानी सुनने के लिए। हर किसी का मन करता है ना कि आप इस दुनिया में ये अचीवमेंट कैसे हासिल किया, आपने ये सक्सेस कैसे हासिल किया, आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तक कैसे पहुंचे। एवरीबॉडी वांट टू हियरिंग दैट स्ट्रगलिंग लाइफ। और ये कब पूछेंगे बच्चों आपसे, जब आप जिंदगी में जीत जाओगे, जब आप अपना सपना पूरा कर लोगे, तब तक लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा आपकी कहानी सुनने में। आप सुनाना चाहोगे तो भी कोई सुनने की कोशिश नहीं करेगा। तो यदि हमने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया तो लोग चले आएंगे, कारवा चले आएगा, सब लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जिंदगी में सफल हुआ तो कैसे हुआ, क्या स्ट्रगलिंग लाइफ था इसके पीछे। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको भी कुछ ऐसा चमत्कार करना होगा तो दुनिया पूछे आपसे कि व्हाट इज योर सक्सेस स्टोरी, और आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके माइक के साथ उस अपने स्ट्रगल लाइफ को जरूर बताएं और एक शब्द जरूर ऐड करें कि हाँ, JINC परिवार के साथ मिलकर हमने संघर्ष किया और उस संघर्ष से हमने अपनी जिंदगी बदली। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह जो मैक्सिमम इंक्वायरी JINC ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म की रहती है उसको मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ESIC और नॉर्सेट 2021 के लिए स्पेशल फीचर्स कोर्स, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है, कहीं भी कभी भी कितनी बार भी आप उसको देखें, आप लैपटॉप टीवी पे देख सकते हैं। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है और नॉन रिफंडेबल फीस होगा। एक बार कोर्स परचेज करने के बाद फी रिफंड नहीं हुआ, ये विशेष कर ध्यान रखना। इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी के लिए आपके पास सुबह 10 बजे से 5 बजे का टाइम है, इन बिटवीन में आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स को परचेज करने के लिए बच्चों आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, प्ले स्टोर पे जाके JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। JINC जोधपुर के ऐप डाउनलोड करने के बाद बाई कोर्सेस में जाना पड़ेगा, मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद। बाई कोर्सेस में बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे, उसमें कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद
पेमेंट करना पड़ेगा, लॉग आउट लॉग इन करके आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। याद रखना बच्चों, रिकॉर्डेड क्लासेस में नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है, रिसर्च एडमिन एजुकेशन फार्मा माइक्रो रीजनिंग मैथ्स ओटी आईसीओ इमेज वीडियो बेस्ड, वो सब कुछ दिया है जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको क्रैक करने के लिए चाहिए। इवन यूनिट वाइज पेपर, प्रीवियस फाइव ईयर के पेपर, इतना शानदार कंटेंट है, यू विल मेक योर फ्यूचर ब्राइटर विद द जेआईएनसी फैमिली। तो ऑलमोस्ट जिन बच्चों ने सोचा है यू शुड गो एंड टेक इट दैट इंपॉर्टेंट कोर्स, यू विल मेक योर फ्यूचर ब्राइटर। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं और आज का अपना जो टॉपिक है दैट वी कैन से रिफ्लेक्सेस। एक बार लगभग 1200 बच्चे क्लास को वॉच करें, लाइक इट एवरीबडी, एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा। इस इंपॉर्टेंट क्लास में आज हम वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे बच्चों, और लाइक करने के बाद अपने नियरेस्ट डियरेस्ट जितने भी ग्रुप्स हैं शेयर जरूर करें, ताकि इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट उन नीडफुल फ्यूचर जनरेशन ऑफ नर्सिंग को मिले। मेरी कोशिश उन तक पहुंचे, मेरे एफर्ट्स उन तक पहुंचे, ताकि वो अपनी जिंदगी में सपना पूरा करें। तो फटाफट एक बार शेयर करें, लाइक करें, फिर हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी एग्जैक्टली रिफ्लेक्स क्या होता है, पीडियाट्रिक रिफ्लेक्स क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करेंगे। हियर यू कैन सी, रिफ्लेक्स का मतलब होता है इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अपने आप, और ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री और दैट वी कैन से ऑटोमेटिक एक्शन दैट योर बॉडी डज इज रिस्पॉन्स टू समथिंग विदाउट यू इवन हैविंग टू थिंक अबाउट। आप बिना सोचे, बिना समझे, आपके बॉडी के किसी भी बॉडी के एक्सट्रीमिटीज के द्वारा कोई भी एक्शन होता है। आई वॉज पुटेड, यू डोंट डिसाइड टू किक योर लेग, इट जस्ट किक। मतलब आपने सोचा नहीं कि मैं लेग को किक करूंगा और सडनली दैट विल बी किक, दैट इज अ रिफ्लेक्स। सिंपली इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटेड दैट योर बॉडी डज रिस्पॉन्ड टू समथिंग। आपने सोचा नहीं कि मुझे लेग को किक मारना है, बट आपका लेग क्या होगा, किक इट। लेग क्या होगा, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, किक इट। दैट यू गेटिंग एवरीबडी? निकिता, दिस इज नॉट द वे टू पुट द मैसेज, यू शुड कॉल द जेएनसी नंबर, डोंट ट्राई टू पुट एंटी सोशल एक्टिविटी। दैट यू कैन सी एवरीबडी, न्यू बॉर्न और इन्फेंट रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स बेबी इज बॉर्न विथ और इट टेल हाउ वेल दैट नर्वस सिस्टम इज फंक्शनिंग एंड टू डेवलपिंग। अब हम बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं न्यू बॉर्न रिफ्लेक्स। न्यू बॉर्न रिफ्लेक्स क्या इंडिकेट करेगा, दैट विल बी इंडिकेटिंग हाउ योर नर्वस सिस्टम विल वर्क। क्योंकि जब बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बच्चे की माइलस्टोन्स डेवलप होती है, तो बॉडी में नर्वस सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है, और नर्वस सिस्टम यदि प्रॉपर काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, दैट मींस योर रिफ्लेक्सेस वर्क वेरी वेल। तो यहां पर आपको नर्वस सिस्टम के फंक्शन को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। दैट आई वॉज पुट एट न्यू बॉर्न इन्फेंट रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स बेबी इज बॉर्न विथ एंड इट टेल अस हाउ वेल दैट नर्वस सिस्टम इज फंक्शनिंग एंड डेवलपिंग। ओके फाइन, here you can see my loving future nursing officer, we are going to see there's a neonatal reflex, aur isko kabhi kabhi bachcho primitive reflex bolte hain, that a word will be asking in your competitive exam, primitive reflexes are present at birth gradually inhibited by the higher center in the brain during the first 3 to 12 month of postnatal life। रिफ्लेक्सेस जो है स्पेशली बर्थ के बाद डेवलप होता है, और कुछ रिफ्लेक्सेस 4 मंथ में, कुछ रिफ्लेक्सेस 6 मंथ में, कुछ रिफ्लेक्सेस 8 मंथ में डिसअपियर होती है, कुछ रिफ्लेक्सेस लाइफ लॉन्ग रहता है। तो आई वॉज पुटेड हियर आर प्रेजेंट एट बर्थ, जब बच्चे का बर्थ होता है तब प्रेजेंट होता है, ग्रेजुअली इनहिबिटेड बाय द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग द 3 to 12 months ऑफ पोस्टनेटल लाइफ। ओके फाइन, दिस इज द इंट्रोडक्शन, हाउ टू वी कैन से स्टार्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं आपके सामने बच्चों यहां पर कुछ वीडियोस पुट करूंगा, कुछ इमेजेस पुट करूंगा, आपको उस वीडियो को देखना है, देखने के बाद आपको मुझे आंसर में पुट करना होगा कि व्हाट विल इंडिकेटिंग, कौन सा रिफ्लेक्स आपको दिख रहा है। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पुट करूंगा, और मैं हर रिफ्लेक्स पे बनने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कहां पर किस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हियर यू कैन सी एवरीबडी यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा, ध्यान से देखो बच्चों, फाइंड आउट इट, दैट यू कैन सी। वीडियो को ध्यान से देखना और मुझे बताना ये कौन सी, दैट यू कैन सी।
that you can see my loving future nursing officer. Find out it, everybody. What is the name of that reflex? इस रिफ्लेक्स को देखिएगा, मैं पूरा डिटेल में आगे फर्दर डिस्कस करूंगा. इस रिफ्लेक्स को देखिएगा बच्चों और फटाफट नाम लिखिएगा, फटाफट नाम लिखिएगा. यू कैन सी एवरीबडी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर एवरीबडी. कर दिया गड़बड़. एक्चुअली बच्चों मुझे आपसे राइट आंसर चाहिए, या चौके छक्के मारने के लिए आपके लिए इतनी मेहनत नहीं की है. आपको आंसर पता तो आंसर पुट करें, नहीं पता यू शुड वेट. आपके रॉन्ग आंसर करने की हैबिट्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा इफ रियली यू वांट सिलेक्शन योर कमिंग नॉर्थसेट 2021. आपको आंसर नहीं पता है यू शुड वेट. आंसर पता है तो कॉन्फिडेंस के साथ पुट करो, बट गलत आंसर पुट करने से आपकी बैड हैबिट और इंक्रीज हो जाएगी, तो रोकने की कोशिश करेगा. ज्यादातर बच्चों ने यहां पर रूटीन रिफ्लेक्स पुट किया है. बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दिस इज योर रूटीन रिफ्लेक्स. आपने वीडियो देखा यहां पर फिंगर को साइड से टच किया जा रहा है. टच करने के बाद बेबी विस ट्राई टू उस फिंगर को क्या करने की कोशिश करता, सक करने की कोशिश करता है. दैट यू कैन से रूटीन रिफ्लेक्स. गेट इट एवरीबडी? ओके फाइन. अब एक्चुअली रूटीन रिफ्लेक्स पे क्या क्या क्वेश्चन पूछते, क्या एमसीक्यू बनते रूटीन रिफ्लेक्सेस पे, क्या रूटीन रिफ्लेक्स है, कौन से नर्वस सिस्टम को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा. यहां पर आपको ध्यान से एक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को पढ़ना होगा बच्चों. देखिए रूटीन रिफ्लेक्स का ही हम दूसरा नाम बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स. बहुत इजी है, कुछ बच्चों ने सकिंग पुट करने की कोशिश की. रूटीन का दूसरा नाम है सकिंग. आई वॉज पुटेड, इसका मेन पर्पज क्या बच्चों, बेबी को फीड करने में, ब्रेस्ट फीड करने में मदद करता. जैसे ही बेबी के निप्पल्स बेबी के माउथ के साइड में टच होता, बेबी विल टर्न टू होल्ड द निप्पल्स, बेबी विल टर्न टू होल्ड द निप्पल्स, देन सक इट. कब मदद करेगा बच्चों, कब मदद करेगा? ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. ओके फाइन. अब जैसे ही बेबी को ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा, व्हेन द कॉर्नर ऑफ माउथ और चीक, ध्यान से देखना बच्चों, कॉर्नर ऑफ माउथ चीक लिप्स न्यूबॉर्न आर स्टिमुलेटेड बाय द एग्जामिनर. एग्जामिनर क्या करेगा, चीक के कॉर्नर के अंदर टच करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो बेबी तुरंत टर्न करके और उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के माउथ में कोशिश करेगा. दैट इज वी कैन से रूटीन रिफ्लेक्स और वी कैन से सकिंग रिफ्लेक्स. देखिए अब ये जो रूटीन रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स हम पढ़ रहे हैं, मैंने कहा एक्ट न्यूबॉर्न टर्निंग ऑफ हिज और हर हेड टूवर्ड्स एग्जामिनर, टूवर्ड्स फिंगर दैट स्टिमुलेट साइट एंड ओपन द माउथ. जैसे आपको टच किया, जैसे आपके लिप्स के साइड में टच किया, बेबी ने माउथ को टर्न किया और माउथ को ओपन किया, दैट रिफ्लेक्स वी कैन से रूटीन रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स. दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके, हियर यू कैन सी. अब क्वेश्चन दो बनेंगे, यहां दो क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, यहां दो क्वेश्चन बनेंगे. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर डिसअपियर. अब ये रिफ्लेक्स डिसअपियर कब होता है, डिसअपियर के दो एज ग्रुप पढ़ेंगे. मैंने पहले लिखा 3 to 4 month, याद रखना 3 to 4 month ये डिसअपियर कब होता है, व्हेन द बेबी इज अवेक. अनिल राठौर डोनेटिंग 40 rupees, थैंक यू सो मच अनिल फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पुअर नर्सिंग स्टूडेंट या पुअर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. बेबी जब अवेक होगा, बेबी जब जग रहा होगा, तो ये रिफ्लेक्स नॉर्मली 3 to 4 month में डिसअपियर होता है. बट एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इफ योर बेबी ऑन स्लीप, जब बच्चा सो रहा है तो ये डिसअपियर 5 to 6 month होगा. ये दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है. बोथ विल आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. मीनाक्षी कोई बात नहीं बेटा. ओके फाइन, इस पिक्चर को ध्यान से देखना, ये आपका फिंगर एग्जामिनर का, बेबी के लिप्स के साइड में इसने टच किया. जैसे लिप्स के साइड में इसने टच किया, तो बेबी ने उस फिंगर की तरफ माउथ को घुमाया और माउथ को ओपन किया. दैट रिफ्लेक्स वी कैन से रूटीन रिफ्लेक्स और वी कैन से सकिंग रिफ्लेक्स. रूटीन और सकिंग रिफ्लेक्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन. अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, यदि ये रिफ्लेक्स अब्सेंट है, मतलब जब एग्जामिनर ने एग्जामिन किया और रिफ्लेक्स नहीं मिला, तो बच्चों क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रेन डैमेज. और याद रखना ये कब फाइंड आउट करते हैं हम, जब बोथ साइड टच किया,
हमने पहले राइट साइड टच किया, रिस्पॉन्ड नहीं आया, हमने लेफ्ट साइड टच किया, रिस्पॉन्ड नहीं आया, मतलब दोनों तरफ रिस्पॉन्ड नहीं आया, इसका मतलब पेशेंट का ब्रेन क्या है, इसका मतलब पेशेंट का ब्रेन क्या है, डैमेज है, ब्रेन क्या डैमेज है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे। आप JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टडी कर रहे हो, आप JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, एक JINC एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपके लिए निरंतर इंपॉर्टेंट कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश करता है, ताकि आप जिंदगी में जिस ट्रस्ट के साथ JINC परिवार से जुड़े हैं, आप अपना सपना पूरा करें, आप अपना सपना पूरा करें, क्योंकि JINC जो वादा करता है वो निभाता है, और वादा निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और इस मेहनत में आपका भी कॉन्ट्रीब्यूट, आप लगातार क्लास को वॉच करते हो, हियर यू कैन सी। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके साथ मैंने आपके एक वीडियो भी दिखाया था, एक वीडियो भी दिखाया था बच्चों, ओके यू कैन सी। अब एक MCQ पुट किया, ध्यान से पढ़ना, एक MCQ पुट किया बच्चों, ध्यान से पढ़ना। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ड्यूरिंग एन असिस्मेंट ऑफ द इन्फेंट यू नोट दैट द वेन इन्फेंट हैड टर्न टू द राइट, ध्यान से सुनना बच्चों, When infant head turn to the right, जैसे ही बच्चे का head right turn होगा, leg and arm on the right side will be extended. मतलब जैसे ही आपका head जो right में turn होगा, तो right side का arm और leg क्या हो जाएगा बच्चों, extended हो जाएगा, arms और leg क्या हो जाएगा, extended हो जाएगा, while leg and arm on left side flex हो जाएगा. You documented that what is type of reflex. देखिए इस reflex में क्या पूछा है, जब आप गर्दन को एक तरफ turn किया, जिधर आपने राइट साइड में टर्न किया, तो राइट हैंड और राइट लेग एक्सटेंड हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लेक्स हो जाएगा, लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। इस रिफ्लेक्स का नाम पूछा है, इस रिफ्लेक्स का नाम पूछा है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, यू कैन सी एवरीबॉडी। मैंने ऑप्शन पुट किया रूटिंग रिफ्लेक्स, मैंने ऑप्शन पुट किया सकिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन लिखा मोरो रिफ्लेक्स, और ऑप्शन लिखा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ध्यान से पढ़े आंसर दें, ध्यान से पढ़े आंसर दें, कि इंपॉर्टेंट MCQ यहां पर पुट किया, इंपॉर्टेंट MCQ पुट किया, चार ऑप्शन आपके सामने, आई होप यू विल पुट द राइट आंसर, यू विल पुट द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, ऑलमोस्ट 1700 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, आई वॉन्ट लाइक एंड शेयर फ्रॉम एवरी वन, शाबाश। ऑलमोस्ट बच्चों ने डी पुट किया है, और आप सभी का आंसर एब्सोल्यूटली करेक्ट है। अब जब आप देखते हैं बच्चों एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि बेबी टर्न फेस ऑन राइट साइड, तो राइट हैंड और राइट लेग क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, ऑपोजिट एक्सट्रीमिटीज में क्या हुआ, फ्लेक्स हुआ। मैं एक वीडियो पुट करना चाहता हूं, ओके प्रिया भारती, कांग्रेचुलेशन माय डियर टू सेलेक्ट इन बिहार CHO। यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना, मैंने एक वीडियो पुट किया, ध्यान से देखना बच्चों, इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यू कैन सी एवरीबॉडी इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैंने कहा था राइट साइड में, यदि राइट एक्सट्रीमिटीज, बच्चे ने गर्दन राइट साइड में टर्न किया, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बच्चे ने गर्दन को राइट साइड में टर्न किया, राइट हैंड आपका ऊपर की ओर गया, लेफ्ट हैंड नीचे की ओर गया, और वहीं लेफ्ट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या हुआ, फ्लेक्स हुआ, लेफ्ट साइड की एक्सट्रीमिटीज क्या हो रहा है बच्चों, फ्लेक्स हो रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज द राइट हैंड, राइट हैंड एक्सटेंशन हुआ, लेफ्ट हैंड क्या हुआ बच्चों, फ्लेक्शन हुआ, राइट लेग एक्सटेंड हुआ, लेफ्ट लेग क्या हुआ, फ्लेक्स हुआ। दैट यू कैन सी एवरीबॉडी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। ठीक से वीडियो को देखें, ठीक से वीडियो को देखें, बेबी को देखें, बेबी आपका राइट साइड में देखिएगा, आप गर्दन को राइट में टर्न कर रहे हैं, गर्दन को राइट में टर्न करें, जैसे ही बच्चे की गर्दन राइट में टर्न हुआ, राइट हैंड ऊपर की ओर गया, लेफ्ट हैंड नीचे की ओर आया, राइट हैंड ऊपर की ओर गया, लेफ्ट हैंड नीचे की ओर आया, दैट मींस द रिफ्लेक्स विल इंडिकेटिंग व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम इज टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। क्या नाम है बच्चों, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। गेट इट एवरीबॉडी इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको इजीली आइडेंटिफाई करना है, राइट साइड में एक्सटेंशन दिख रहा है, लेफ्ट साइड में फ्लेक्शन दिख रहा है, लेफ्ट साइड में फ्लेक्शन दिख रहा है, दैट इज अ वे हाउ टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। शॉर्टली हम देखना चाहते हैं बच्चों की टॉनिक नेक रिफ्लेक्स पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखना चाहते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्स पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से वॉच करने की कोशिश करिए। थैंक यू मुकेश सैनी, थैंक यू सो मच, ध्यान से वॉच करने की कोशिश करिएगा बच्चों। टॉनिक, ध्यान से देखिए बच्चों, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स और फेंसिंग रिफ्लेक्स,
टॉनिक नेक रिफ्लेक्स और फेंसिंग रिफ्लेक्स. यू कैन सी एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, यहां शॉर्ट फॉर्म लिखा है एसिमेट्रिकल टॉनिक. एसिमेट्रिकल का मतलब होगा दोनों एक्सट्रीमिटीज में अलग अलग मूवमेंट होगा. जब सेम मूवमेंट होगा तो सिमेट्रिकल बोलेंगे, जब अलग अलग मूवमेंट होगा तो एसिमेट्रिकल बोलते हैं बच्चों. आई वॉज पुटेड वेरी वेल. टॉनिक नेक और फेंसिंग रिफ्लेक्स दैट वी कैन से एसिमेट्रिकल, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ए टी एन आर. ए टी एन आर, हियर यू कैन सी व्हाइल द न्यूबॉर्न इज फॉलिंग अस्लीप, जब बच्चा सोता है जेंटली क्विकली टर्न हेड टू द वन साइड, सोने के बाद हेड को वन साइड में टर्न किया तो न्यूबॉर्न फेस लेफ्ट साइड लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग एक्सटेंड हुआ आउटवर्ड, राइट आर्म और राइट लेग फ्लेक्स हुआ. आई थिंक इजिली अंडरस्टैंड हुआ. एक तरफ एक्सटेंशन दूसरी तरफ फ्लेक्शन, कब जिधर गर्दन टर्न उधर एक्सटेंशन, जिधर गर्दन टर्न नहीं उधर फ्लेक्शन, उधर फ्लेक्शन. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गेट इट एवरीबडी. अब क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन द हेड टर्न टू द राइट साइड, डेफिनेटली राइट साइड के बॉडी पार्ट एक्सटेंड होगा, लेफ्ट का फ्लेक्स होगा. अब एग्जाम में पूछते हैं कि ये रिफ्लेक्स डिसअपियर कब होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये रिफ्लेक्स डिसअपियर कब होता है. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग, थैंक यू दीपक परमार. डिसअपियर होता है बच्चों 3 to 4 months. डिसअपियर कब होता है? 3 to 4 months. आपको डिसअपियरिंग याद रखना है, इस तरीके का मूवमेंट आपको पुट के वो याद रखना है. वीडियो पुट के तो भी आपको सही याद है. कंचन रजक डोनेटिंग 20 rupees टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच. थैंक यू नवाब खान, थैंक यू वेरी मच. ये सभी आपके प्यार और स्नेह का नतीजा बच्चों. आप जितना JINC के टूवर्ड्स आपका ट्रस्ट बढ़ेगा उतना आपके अशोक सर की मेहनत आपकी तरफ बढ़ेगी. और एंड ऑफ द टाइम वी वॉन्ट सेलेक्शन, योर सेल्फ योर JINC, एंड ऑफ द टाइम वी वॉन्ट सेलेक्शन. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. अब जो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था टॉनिक नेक रिफ्लेक्स नॉर्मली डिसअपियर कब होना चाहिए, 3 to 4 months. डिसअपियर कब होना चाहिए? 3 to 4 months. अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा 3 to 4 months के बाद में यदि डिसअपियर नहीं हुआ, यदि 3 to 4 months के बाद डिसअपियर नहीं हुआ, दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू द सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स. सिमेट्रिकल का मतलब जैसे ही आप गर्दन को टर्न करोगे तो दोनों हाथ और दोनों पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ मूवमेंट करेगा, एक साथ मूवमेंट करेगा. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. पहले मैंने टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों, कि जब आप राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज में राइट हैंड को और राइट लेग को एक्सटेंड कब करोगे, जब आप राइट साइड में टर्न करोगे, ऑपोजिट में क्या होगा? फ्लेक्स होगा. बट यदि यह रिफ्लेक्स 3 to 4 months में डिसअपियर नहीं हुआ तो किसमें कन्वर्टेड हो जाएगा बच्चों? सिमेट्रिकल में. सिमेट्रिकल का मतलब होगा जब भी गर्दन को टर्न करोगे दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों पैर एक साथ काम करेगा, एक साथ काम करेगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. और ये कब डिसअपियर होगा? 9 months ऑफ एज. ये किस कब डिसअपियर होगा? 9 months ऑफ एज. दैट्स गेटिंग एवरीबडी. तो यहां टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, से बाहर कुछ नहीं मिलेगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई एम ट्राई टू डू माय बेस्ट. एक गुड न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं, गुड न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं. MPCHO के एग्जाम देने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं, आपके लिए आपकी JINC टीम के द्वारा प्रिपेयर की गई स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज प्रिपेयर है. इसको हमने श्योर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज का नाम दिया है. प्राइस 249 है. लगभग 1100 MCQ इसमें पुट किया है. इस 1100 MCQ के अंदर बेसिक होगा जो सिलेबस MPCHO का दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ पुट किया गया. और इस पेपर को आपको लेने के लिए JINC की वेबसाइट पे जाना होगा. JINC की वेबसाइट पे जाकर के आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना होगा. और टेस्ट सीरीज को परचेज करने के बाद में आप एक एक MCQ को सॉल्व कर सकते हो, एक एक MCQ को सॉल्व कर सकते हो. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन. विल मूव फर्दर. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक वीडियो पुट किया है. ध्यान से देखना बच्चों, एक वीडियो पुट किया है और मैंने लिखा फाइंड आउट इट. मैंने लिखा फाइंड आउट. हियर यू कैन सी दैट वीडियो. यू कैन सी एवरीबडी. ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना. इस वीडियो को देख के मुझे नाम बताना कौन सी रिफ्लेक्स है, कौन सी रिफ्लेक्स है. इस बच्चे को देखना जैसे बेबी को होल्ड करके एकदम सडनली इसको छोड़ा जाता है तो एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट को देखिएगा, एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट को देखिएगा और मुझे इस रिफ्लेक्स का नाम बताइएगा, मुझे इस रिफ्लेक्स का नाम बताइएगा बच्चों. ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स,
What is the name of that reflex? Put the right answer. Put the right answer, everybody. क्या बात है, क्या बात है? फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, इस वीडियो के अंदर आपको एक रिफ्लेक्स दिखा होगा, इस वीडियो में आपको एक रिफ्लेक्स दिखा होगा और मुझे उस रिफ्लेक्स का नाम फटाफट आप पुट करेगा, फटाफट आप पुट करेगा. बेबी को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में बेबी को सडनली छोड़ा तो बेबी जैसे फॉल डाउन होने लगा. अपने एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट को देखिएगा, एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट को देखिएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम माय डियर, वेलकम माय डियर. हियर यू कैन सी, ये गुरुकुल अशोक सर का नहीं है, गुरुकुल आप सभी का है. जेआईएनसी गुरुकुल आपके द्वारा बनाया गया नाम है, आपके ट्रस्ट और विश्वास से बनाया गया इंस्टीट्यूट है. इट्स योर गुरुकुल माय डियर, इट्स योर गुरुकुल. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, वी कैन से मोरो रिफ्लेक्स. क्या बात है, क्या बात है, द फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, दैट इज अ मोरो रिफ्लेक्स. इसका मतलब इस बार यदि आपके एम्स ने वीडियो बेस्ड क्वेश्चन पुटअप किया, इमेज बेस्ड पुटअप किया, थ्योरी बेस्ड पुटअप किया रिफ्लेक्सेस पे, तो जेआईएनसी आर्मी 100% करेक्ट करके आएगी. बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार. हियर यू कैन सी, फर्दर देखिएगा, हमने मोरो रिफ्लेक्स की बात की और मोरो रिफ्लेक्स पे लगभग मैं आपको 10 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा बच्चों. 10 एमसीक्यू बनते हैं, वो 10 एमसीक्यू क्या होगा, आई विल ट्राई टू डिस्कस विथ यू, विच इज बिलोंग फ्रॉम द मोरो रिफ्लेक्स, विच इज बिलोंग फ्रॉम द मोरो रिफ्लेक्स. हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, मोरो रिफ्लेक्स डेवलप होता है बच्चों बिटवीन. मोरो रिफ्लेक्स डेवलप कब होता है, यू कैन सी एवरीबडी, यू कैन सी एवरीबडी, आई वाज पुटेड हियर, दैट विल बी डेवलप बिटवीन 28 to 32 वीक. मतलब ये थर्ड ट्राइमेस्टर है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर है. जब मदर की प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में मोरो रिफ्लेक्स डेवलप होता है. दूसरी बात, मोरो रिफ्लेक्स में होल्ड न्यू बॉर्न इन अ सेमी सिटिंग पोजिशन. बच्चे को मैंने एक वीडियो दिखाया बच्चों, मैंने आपको वीडियो दिखाया, उसमें हमने बेबी को सेमी सिटिंग पोजिशन में होल्ड किया. जब सेमी सिटिंग पोजिशन में होल्ड करके अलाउ हेड एंड ट्रंक टू फॉल बैकवर्ड, जैसे ही होल्ड किया सडनली आपने बैकवर्ड अलाउ किया, सडनली उसको बैकवर्ड अलाउ किया एटलीस्ट फॉर 30 degree एंगल, उस समय न्यू बॉर्न अज्यूम शार्प एक्सटेंशन एंड अबडक्शन ऑफ द आर्म विद द थम्स फिंगर लाइक सी पोजिशन. थम्स और फिंगर कैसे बनाएगा, इस तरीके से थम्स और फिंगर को डेवलप करेगा, दैट वी कैन से सी पोजिशन, दैट वी कैन से सी पोजिशन. दिस इज फॉलोड बाई द फ्लेक्शन अडक्शन टू एन एम्बरेस पोजिशन, मतलब लेग अलाउ टू सिमिलर पैटर्न. इस पिक्चर को देखिएगा, इस कोने में एक पिक्चर पुट किया बच्चों, इसमें देखिए जब बेबी को आपने होल्ड किया तो लगभग ये सेमी सिटिंग पोजिशन में, होल्ड करने के बाद में बैक को फॉल किया लगभग 30 degree एंगल पे. जैसे ही फॉल किया तो बच्चे ने एक्सट्रीमिटीज को क्या क्या एक्सटेंड किया, अबडक्शन किया आर्म को, और फोर फिंगर को सी शेप का बनाया, थंब और फोर फिंगर को सी शेप का बनाया, फॉलोड बाय फ्लेक्शन किया. मैं आपको एक एक मूवमेंट बताऊंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट होते हैं मोरो रिफ्लेक्स में. सबसे पहले मैंने कहा जैसे ही स्प्रेड होगा तो अबडक्शन होता है. अबडक्शन का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी, अबडक्शन का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर जाना अबडक्शन कहलाता है, बॉडी के टूवर्ड्स आना अडक्शन कहलाता है, बॉडी के टूवर्ड्स आना अडक्शन कहलाता है. देन पुलिंग आर्म, जब आर्म्स होगा वो इस तरीके से पुल होगा तो बॉडी के टूवर्ड्स आएगा, दैट वी कैन से अडक्शन. और थर्ड मूवमेंट क्राइंग यूजुअली. ये तीन चीजें मिलेगी, थ्री थिंग्स यू फाइंड आउट इन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. क्लियर मेंशन किया है, स्प्रेडिंग आउट आर्म्स दैट इज अबडक्शन, पुलिंग आर्म्स अडक्शन, क्राइंग बेबी दैट यूजुअली, थ्री थिंग्स विल बी इंडिकेटिंग द बेबी डज हैव मोरो रिफ्लेक्स, द बेबी डज हैव मोरो रिफ्लेक्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन, मोरो रिफ्लेक्स पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते, ध्यान से देखिएगा. ए बेबी जर्की मोशन में बी रिस्पॉन्ड बिटवीन 8 to 18 वीक, ये मूवमेंट नॉर्मली 8 to 18 वीक में मिलने लग जाते हैं. द रिफ्लेक्स विल डिसअपियर एट द एज ऑफ 6 months, द रिफ्लेक्स विल बी डिसअपियर एट द एज ऑफ 6 months. अभी तक हमने जो रिफ्लेक्सेस पढ़ा है, हमने मोरो पढ़ा है, हमने रूटिंग और सकिंग पढ़ा है, वहां हमने 4 to 6 months पढ़ा है, कहीं हमने 3 to 4 months पढ़ा, अलग अलग टाइम पढ़ा है, बट दैट विल बी डिसअपियर एट द एज ऑफ 6 months. परसिस्टेंट रिस्पॉन्स लास्टिंग फॉर मोर देन 6 months मे बी इंडिकेटिंग न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मिटी. यदि आपका रिस्पॉन्स जो है वो 6 महीने के बाद में भी प्रेजेंट है,
छह महीने के बाद भी प्रेजेंट है, इसका मतलब बेबी के नर्वस सिस्टम में समथिंग विल बी हैपन, समथिंग विल बी हैपन, वी फाइंड आउट इट, कुछ एबनॉर्मलिटीज होगी, कुछ एबनॉर्मलिटीज होगी, दैट इज अ परसिस्टेंट रिस्पॉन्स फॉर लास्टिंग मोर देन सिक्स मंथ, गेट इट एवरीबडी, ओके फाइन। ये सारे एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई विल ट्राई टू पुटिंग, तो क्या इंडिकेट करेगा बच्चों, सेरिब्रल पाल्सी, क्या इंडिकेट करेगा, सेरिब्रल पाल्सी, एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, मोरो रिफ्लेक्स इंपेयर्ड और अब्सेंट इन द इन्फेंट विद द कर्निक्टस। देखिए कभी कभी एक एबनॉर्मिटी या वीकेंस से कर्निक्टस, एक्चुअली क्या होता है, जो आर एच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी होता है, जो आर एच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी होता है, आर एच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी में बेबी के अंदर आरबीसी का, आरबीसी का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो डिजीज कॉज होता है हाइड्रोप्स फेटालिस। डेफिनेटली जब बच्चे का जो आरबीसी है वो क्विक ब्रेकडाउन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन क्विक ब्रेकडाउन होगा तो बिलिरुबिन बनेगा बच्चों। बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, जब एक्सेस बिलिरुबिन इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, व्हेन द एक्सेस बिलिरुबिन इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंटर इनटू द ब्रेन कैन कॉज डैमेज ऑफ द ब्रेन, दैट कंडीशन कर्निक्टस, दैट कंडीशन कर्निक्टस। थैंक यू सो मच निकी सिंह, याद रखना बच्चों कर्निक्टस का मीनिंग बता रहा हूं, कर्निक्टस में क्या हुआ, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके यदि आपका एक्सिस जो बिलिरुबिन है, एक्सिस जो बिलिरुबिन है वो कहां एंटर हो गया, ब्रेन में एंटर हुआ और ब्रेन को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, ब्रेन को डैमेज कर दिया, इट मे बी मोरो रिफ्लेक्स क्या होगा बच्चों, इंपेयर्ड होगा, मोरो रिफ्लेक्स क्या होगा, इंपेयर्ड होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि एक बार यदि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन और डिजीज या एबनॉर्मलिटी को हम डिस्कस करें तो मेरी फ्यूचर जनरेशन लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं, और उस तरीके के लिए मैं जितनी भी मेरी तरफ से कोशिश होगी जारी रखूंगा। पीडिया पढ़ रखी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, बट आई विल ट्राई टू, आई विल कॉन्ट्रीब्यूट लिटिल बिट, आपके पढ़े हुए कंटेंट को एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस रिविजन के साथ बनने वाले क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप अपने आप को और स्ट्रांग बना सके, आप अपने आप को और स्ट्रांग बना सके ताकि जिंदगी में अपने सपने के करीब जाने में आसानी बने, और यही मेरी कोशिश लगातार जारी रहेगी, यही मेरी कोशिश लगातार जारी रहेगी आप लोगों के लिए। याद रखना एसिमेंट होगा, दैट विल बी इंडिकेट, दैट विल बी इंडिकेट क्लेविकल बोन और ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर। यदि एसिमेट्रिकल होगा तो इंडिकेट करेगा या तो बच्चे को क्लेविकल, या तो क्लेविकल या फिर ह्यूमरस, या फिर ह्यूमरस बोन क्या है बच्चों, बोन फ्रैक्चर है, बोन फ्रैक्चर है, ये इंडिकेट करता है दैट वी कैन से एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी में एसिमेट्रिकल लिखा बच्चों, दैट विल बी इंडिकेटिंग यदि बच्चे को क्या तो क्लेविकल फ्रैक्चर है या ह्यूमरस फ्रैक्चर है जिसकी वजह से बच्चा एक्सट्रीमिटीज में मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, एक्सट्रीमिटीज में मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, दैट इज अ वे हाउ टू रिफ्लेक्टिंग एबनॉर्मलिटीज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पिछले 4 से 5 दिन जब से हमने स्पेशल क्लास स्टार्ट की है, इस स्पेशल क्लास में लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको एक दिन पहले टॉपिक को बताता हूं ताकि आप टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कराएं, अपने नोटबुक को लेके बैठना है, जहां आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है उस पॉइंट को उस नोटबुक में नोट करना ना भूले। इन बिटवीन यदि कोई चीज, कोई कंटेंट मेरी तरफ से लैप्स हो जाता है उसको भी आप जरूर पढ़ें, क्यों अपने पास लिमिटेड 1 आवर का टाइम होता है, 1 आवर में जितना बेस्ट हो सकता है आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ने को होता है तो आपको एडवांस के लिए बताता हूं कि यू शुड ट्राई टू लर्न, उसके बाद एडिशनल चीजें हमें पढ़ना है, फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा मिलता है अपने नोटबुक में नोट करना है। इस तरीके से नॉर्सेट 2021 से पहले हर एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे चलना होगा, ओनली वी कैन क्रैक, ओनली वी कैन क्रैक, अदरवाइज टू मच स्टफ। रास्ता चुना है आपने और आपके जेएनसी से मिलने, दोनों ने मिलकर चुना है, रास्ते में ऑब्स्टेकल आएंगे, रास्ते में कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आएगा, कहीं कहीं आप हारे हुए महसूस कर सकते हो, बट एक बात याद रखना अपने अशोक सर की, एक बात को जरूर याद रखना, हम जिंदगी में पैदा हुए कुछ अच्छा करने के लिए, हम जिंदगी में पैदा हुए कुछ अच्छा करने के लिए, और ऐसा कुछ करके जाना है कि जाने के बाद दुनिया भी आप जैसा बनने की कोशिश करे।
आपके जाने के बाद भी दुनिया आप जैसा बनने की कोशिश करें तो समझ लेना बच्चों आपने जिंदगी जी ली, समझ लेना आपने जिंदगी जी ली। जब कोई जिंदगी में कहता है कि काश मैं भी ऐसा बनूं, इसका मतलब कोई आप जैसा बनना चाहता है, इसका मतलब बच्चों आपने बहुत अच्छा किया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस अच्छाई को और अच्छाई में बदले, उस अच्छाई को और स्ट्रांग बनाए ताकि आपको फॉलो करने वाले हजारों लोग, लाखों लोग जिंदगी में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और वही कोशिश आपके प्रिय अशोक सर कर रहे हैं, आपका अपना जेआईएनसी गुरुकुल कर रहा है कि जिन्होंने सपना देखा है कि हम एक बार जेआईएनसी में जाएं और जेआईएनसी में पढ़ें, किसी रीजन की वजह से बच्चे नहीं पहुंच पाए, तो जेआईएनसी आपके घर पे चलाया बच्चों और आपके सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा जिंदगी में दो बातों का और ध्यान रखना बच्चों, जहां पर भी नेगेटिव एनवायरमेंट दिखे, जहां पर भी नेगेटिव बातें चल रही हो, अपने आप को वहां से क्विट करना जिंदगी में सबसे अच्छा पल होता है। और यदि आप एक बार उस नेगेटिव एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर दिया तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, उन नेगेटिव लोगों की फैमिली की वजह से आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया और उस नेगेटिविटी की वजह से आप नेगेटिव हो जाओगे। कहां पर कभी भी कैसे भी एक नेगेटिव एनवायरमेंट आपको दिखे तो पहले सबसे पहले अपने आप को वहां से क्विट करो, देन अपने सर की बात को याद रखना बच्चों, बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत है। सबसे पहला टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद दूसरा डेस्टिनेशन आपको बनाना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर सक्सेस होना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर सक्सेस होना है। इस तरीके से इस कारवा को आगे बढ़ाते रहना है और आपकी जिम्मेदारी, यदि आप जरूर कुछ सीखे तो आपका हक बनता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस इंपॉर्टेंट कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको रियल में जरूरत है। ये डिसलाइक वाले वैसे ही टाइम पास करने आ जाते हैं, बट एटलीस्ट आप इस इंपॉर्टेंट कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको रियल में जिंदगी जीने का एक उम्मीद चाहिए, जिनको रियल में जिंदगी में कुछ बनना है। तो आज के बाद जो भी आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी, अच्छी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला, उस क्लास को सबसे ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, ताकि हम उस हर बच्चे तक पहुंच सके जो रियली जरूरतमंद महसूस कर रहा है। इस तरह की एनर्जी के साथ कैरी ऑन करने की कोशिश करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हेन द मोरो रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, व्हेन द मोरो रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड इन इन्फेंट, इन्फेंट विल डैश, इन्फेंट विल डैश आर्म विद द पाम ऑफ द हैंड टर्न एंड देन मूव आर्म डैश बॉडी। देखिए तीन एलिमेंट्स पूछे, तीन इवेंट पूछे, इस पूरे क्वेश्चन में तीनों इवेंट को फाइंड आउट करना। अब इवेंट क्या होगा देखिएगा, इवेंट क्या होगा, फ्लेक्स होगा, अपवर्ड होगा, अवे फ्रॉम द होगा। हमने अभी पढ़ा बच्चों मोरो रिफ्लेक्स, हमने अभी पढ़ा मोरो रिफ्लेक्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, बस मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया। बीम लिखा है, ध्यान से देखिए, बीम लिखा है एक्सटेंडेड अपवर्ड बैक टू, सीम लिखा है फ्लेक्स डाउनवर्ड बैक टू, और डीम लिखा है एक्सटेंड डाउनवर्ड अवे फ्रॉम। अब आंसर पुट करेगा क्वेश्चन को समझना। मैंने तीनों मूवमेंट आपको बता दिए थे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है। यू शुड ट्राई टू पुट द राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, फटाफट आंसर पुट करेगा। ए बी सी डी, क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर अपने आप जनरेट होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, राइट आंसर श्योरली आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने सही आंसर पुट किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 2000 के आसपास जो बच्चे लाइव क्लास को देख रहे हैं यूट्यूब, और यूट्यूब के साथ साथ जेआईएनसी के फेसबुक पेज पे भी ये क्लास लाइव चल रही है। फटाफट आंसर पुट करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए सबसे पहले बच्चों एक्सटेंड होता है, फिर अपवर्ड होगा, और लास्ट क्या होगा बच्चों, बैक टू। ये तीन एलिमेंट्स मैंने आपको अभी मोरो रिफ्लेक्स में पढ़ाया, पे करने के लिए सीधा सिंपल तरीका,
जेएनसी की वेबसाइट पर जाइएगा, वेबसाइट पर जाकर के अपनी मेल आईडी से लॉगिन करें, बाइक कोर्सेस में जाके कंप्लीट जेआईएनसी बुकलेट को फाइंड आउट करेगा, क्लिक करके पेमेंट करेगा, डिटेल भरेगा, आपके घर पे पहुंच जाएगी। इन पांचों बुक्स में बेसिक दिया हुआ है, एनक्लेक्स दिया हुआ है, इंग्लिश में नोट्स दिए हुए हैं, इमेज बेस दिया हुआ है, वो सब कुछ दिया जो एक कॉम्पिटिटिव को फाइट करने के लिए चाहिए। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने एक इमेज पुट किया, इमेज पुट किया है, बच्चे ने फिंगर को, बच्चे ने अपनी फिंगर को एग्जामिनर के फिंगर को होल्ड, बच्चे ने अपनी फिंगर में एग्जामिनर फिंगर को होल्ड कर रखा है। अब देखिएगा ध्यान से, इस रिफ्लेक्स को पामर ग्रास्पिंग बोलते बच्चों। मैं आपको पामर ग्रास्पिंग भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको प्लांटर भी पढ़ाऊंगा और एक वीडियो भी दिखाऊंगा। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि रियल में पामर ग्रास्पिंग कैसे काम करती है, प्लांटर ग्रास्पिंग कैसे काम करती है। पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ते, बेसिक पढ़ने के बाद फर्दर जाते हैं। दिस इज योर पामर ग्रास्पिंग। पाम मतलब पाम की स्किन और सॉल की स्किन जो होती ना, ये सबसे मोटा स्किन होता, हार्डेस्ट होता कंपेरिजन टू द आईलिड, कंपेरिजन टू द आईलिड। थैंक यू योगेंद्र त्रिपाठी। तो पामर ग्रास्पिंग जो लिखा हुआ बच्चों, प्लेस द फिंगर इन द पाम ऑफ द न्यू बोर्न। ध्यान से देखना, बच्चे के पाम के अंदर फिंगर को प्लेस किया, प्लेस द फिंगर इन द पाम ऑफ न्यू बोर्न, द न्यू बोर्न फिंगर कर्ल, न्यू बोर्न फिंगर कर्ल अराउंड एग्जामिनर फिंगर। मतलब जैसे ही आपने बच्चे के पाम में अपनी फिंगर को दिया, तो न्यू बोर्न ने अपनी फिंगर से उसको कर्ल किया। कर्ल किया मतलब पकड़ लिया, कर्ल किया मतलब पकड़ लिया। दैट रिफ्लेक्स वी कैन से पामर रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? दैट रिफ्लेक्स वी कैन से पामर रिफ्लेक्स। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, हर ईयर यू कैन सी एवरीबडी, दैट विल बी रिजॉल्व और डिसअपियर एट द मंथ ऑफ 3 to 4। अब ये लगभग 3 to 4 मंथ में रिजॉल्व हो जाता है। यहां तक तो बड़ा आसान था, पामर की बात की। मैं आपको फर्दर यदि लेके चलूं, फर्दर लेके चलूं बच्चों, तो नेक्स्ट समय यहां एक क्वेश्चन के साथ आगे चलना होगा। यू नोट दैट व्हेन योर फिंगर इज प्लेस्ड अंडर द टोज ऑफ द न्यू बॉर्न। पामर में कहा था पाम में, पामर रिफ्लेक्स में कहा था पाम में। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यू नोट दैट व्हेन द फिंगर इज प्लेस्ड अंडर द टोज ऑफ द न्यू बॉर्न, टो विल कर्ल डाउनवर्ड। This is known as पामर हमने पढ़ लिया, पामर पढ़ लिया। टोज की बात करें, जैसे ही कोई फिंगर टोज में से क्रॉस होगा तो टोज क्या होगा, कर्ल होगा। टोज क्या होगा, कर्ल होगा। ऑप्शन आपके सामने, बाबिंस्की रिफ्लेक्स, दूसरा प्लांटर ग्राफ्स रिफ्लेक्स, तीसरा टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, चौथा स्टेप रिफ्लेक्स। फटाफट आंसर पुट करेगा। थैंक यू दीपक। आपके सामने चार ऑप्शन है। यदि बच्चों हमने एग्जामिनर की फिंगर बच्चे के पाम में पुट किया, बच्चे ने क्या किया, फिंगर को कर्ल किया, ये कौन सा था, पामर रिफ्लेक्स था। क्या था, पामर रिफ्लेक्स। वही यदि हम लेग पे इस तरीके से स्क्रैच करेंगे तो बेबी का लेग क्या होगा, कर्ल होगा। लेग क्या होगा, कर्ल होगा। तो कौन सी रिफ्लेक्स होगा, उस रिफ्लेक्स का नाम पूछा, व्हाट इज द नेम, फाइंड आउट इट एवरीबडी। ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके पास में। बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज अ प्लांटर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पामर देन प्लांटर। आपको मीनिंग क्लियर हुआ। यहां पर आप देखिएगा, दिस इज द प्लांटर रिफ्लेक्स। हमने बेबी के टोज में, सॉल में क्या किया, स्क्रैच किया, तो बेबी के फिंगर कर्ल हुए। दैट रिफ्लेक्स वी कैन से प्लांटर। हियर यू कैन सी, प्लांटर का दूसरा नाम है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। और प्लांटर में प्लेस किया फिंगर एट बेस ऑफ द टो, न्यू बॉर्न टोज कर्ल डाउनवर्ड। और दैट विल बी रिजॉल्व एट मंथ ऑफ एज। ध्यान से देखना बच्चों, हर उस लाइन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। दैट यू कैन सी एवरीबडी। थैंक यू सो मच एवरीबडी for your loving trust towards your JINC. That we can say planter grafts, or we can say, इससे पहले हमने पढ़ा, that is a palmar reflex. Okay, fine. अब यहां पर मैं एक वीडियो शो करता हूं बच्चों, एक वीडियो पुट करूंगा, आपको उस वीडियो के अंदर दोनों रिफ्लेक्स दिखेगा। ध्यान से उस वीडियो को देखना, दोनों रिफ्लेक्स दिखेगा। पहले आपको पामर दिखेगा, फिर आपको प्लांटर दिखेगा। पामर को भी देखिएगा, प्लांटर को भी देखिएगा।
उससे पहले एक बार फटाफट बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे अभी रिसेंट क्लास से जुड़े हैं, लाइक इट एवरीबडी, लाइक इट एवरीबडी। आई विल शो द वीडियो, यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड। आप तुरंत समझ जाओगे पामर रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, प्लांटर रिफ्लेक्स कैसे काम करता है। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज द पामर, दिस इज द पामर रिफ्लेक्स। यू कैन सी दिस इज द पामर, दैट इज अ प्लांटर, that is a plantar reflex. You can see when you crash your thumb on the toes, baby toes going to be curl, baby's toes going to be curl. You can see again, you can see again my loving future nursing officer, again you can see. देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, इस पिक्चर को ध्यान से देखना। यहां पर क्या किया, ये बच्चे का हाथ है, बेबी का हाथ क्या हो रहा है बच्चों, कर्ल हो रहा है। आपने क्या किया, आपने थंब को पुट किया, कहां पर पुट किया, बेबी के सॉल में। जैसे ही सॉल में आपको थंब को पुट किया तो बेबी ने फिंगर को क्या किया बच्चों, कर्ल किया। बेबी ने फिंगर को क्या किया, कर्ल किया। कौन सा रिफ्लेक्स था, पामर रिफ्लेक्स। कौन सा था बच्चों, पामर रिफ्लेक्स। गेटिंग एवरीबडी, ओके फाइन, ओके फाइन। अब देखिएगा फर्दर, अब फर्दर देखिएगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी प्लांटर। This is the palmar. This is the palmar reflex. Downward you go and see plantar. This is the plantar. This is the plantar. That you can see. That you can see. You never forget in your entire life. This is our plantar reflex. जैसे ही हमने toes में scratch किया तो baby के toes की finger जो थी that will be curled down. That will be curled down. That reflex. That reflex we can say plantar. प्लांटर रिफ्लेक्स। दोनों का अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। एम्स जो है किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी। तो दिस इज द पामर ऑफ प्लांटर रिफ्लेक्स। ओके विल मूव फर्दर। अभी क्वेश्चन पुट किया, व्हेन डज द सकिंग रिफ्लेक्स इन द इन्फेंट डिसअपीयर एंड बिकम वॉलेंट्री। जब बच्चे में सकिंग रिफ्लेक्स जो डिसअपीयर होगा और वॉलेंट्री डेवलप होगा तो कौन से मंथ में होता, सिक्स मंथ में, टू मंथ में, फोर मंथ में, और दैट वीक से 12 मंथ में। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा। व्हेन द किंग रिफ्लेक्स इन एन इन्फेंट डिसअपीयर एंड बिकम वॉलेंट्री इन विच मंथ, इन विच मंथ। क्या बात, क्या बात है, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। ए बी सी डी ऑप्शन है, ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है, ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है। थैंक यू एवरीबॉडी, दीपिका थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, फोर मंथ की एज में बच्चों, ऑलमोस्ट फोर मंथ की एज में। ओके फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्दर, नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्दर। अब यहां पर बच्चों आपको ऑलरेडी पहले ही आंसर मिल गया, पहले ही आंसर मिल गया, बट यू कैन सी, बट यू कैन सी बॉबिन्स की रिफ्लेक्स, बॉबिन्स की रिफ्लेक्स। यू कैन सी बॉबिन्स की रिफ्लेक्स, दैट यू कैन सी फ्यूचर जनरेशन, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। Dorsal flexion movement will be find out. Flexion movement will be find out. You can see. यहां पर लिखा बच्चों, जैसे हमने क्या किया, अगेन यू कैन सी। दोबारा एक बार वीडियो को देखिए बच्चों, दोबारा एक बार वीडियो को देखना और फिर समझना, आंसर पुट करना, फिर समझ के आंसर पुट करना। यू कैन सी एवरीबडी, हियर यू कैन सी। हमने क्या किया, बेबी के सोल में स्क्रैच किया, हमने क्या किया बच्चों, बेबी के सोल में क्या किया, स्क्रैच किया, लाइक दैट, लाइक दैट। जैसे ही स्क्रैच किया तो बेबी के फिंगर और थंब, जिसको टो बोलते हैं, अलग अलग मूवमेंट किया। फिंगर और टो दोनों में अलग अलग मूवमेंट किया बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। That you can see. Here you can see everybody. This is the Babinski. Movement को जरूर देखना, movement को जरूर देखना, finger के movement को देखना, toes के movement को देखना बच्चों, finger के movement को देखना, toes के movement को देखना। That is a toe going to be dorsal, then finger going to be spreading, finger going to be spreading. That is a plantar flexion movement finding. रिफ्लेक्स वी कैन से बॉबिन्स की रिफ्लेक्स, व्हाट वी कैन से बॉबिन्स की रिफ्लेक्स। भूलोगे तो नहीं ना बच्चों, कभी भूलोगे नहीं तो कभी। आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट,
आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दिस इज द बाबिन्स्की रिफ्लेक्स. इस पिक्चर में और देखिएगा, दैट इज द बाबिन्स्की रिफ्लेक्स. और बाबिन्स्की रिफ्लेक्स है बिगिनिंग कहां से होता है, हील से स्टार्ट होता है, फुट के टूवर्ड्स जाता है. हील से स्टार्ट होता है, फुट के टूवर्ड्स जाता है. यूज फिंगर टू स्ट्रोक जेंटली अपवर्ड अलोंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल टूवर्ड्स योर अपर साइड. सोल का लेटरल एस्पेक्ट जो है दैट गोइंग टू बी मूव अपर साइड, गोइंग टू बी मूव अपर साइड. देन न्यूबॉर्न टोज हाइपर एक्सटेंडेड. टोज क्या होगा, ये हाइपर एक्सटेंडेड होगा. दिस इज द टोज यू कैन सी, दैट इज द टो यू कैन सी, इट्स गोइंग टू बी हाइपर एक्सटेंडेड वाइल बिग टोज डोर्सोफ्लेक्शन, दैट यू कैन सी डिसअपीयर एट द आफ्टर वन ईयर. वन ईयर के बाद डिसअपीयर होता है बच्चों, आफ्टर वन ईयर के बाद डिसअपीयर होगा माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. इस रिफ्लेक्स का नाम क्या था, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स का नाम क्या था बच्चों, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स. तो दिस इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. यदि बाबिन्स्की अब्सेंट है तो याद रखना इंडिकेट करेगा फ्लैसिड पैरालाइसिस, इंडिकेट करेगा फ्लैसिड पैरालाइसिस, फ्लैसिड पैरालाइसिस. इसका मतलब बेबी के अंदर ये रिफ्लेक्स क्या है, अब्सेंट है. ये रिफ्लेक्स क्या बच्चों, अब्सेंट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. दैट रिफ्लेक्स वी कैन से बाबिन्स्की रिफ्लेक्स. व्हाट वी कैन से, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स. ओके फाइन, ओके फाइन. याद रखना बच्चों, मैंने नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है. आफ्टर वन ईयर टू बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इंडिकेट डिजीज. एक साल के बाद यदि बाबिन्स्की रिफ्लेक्स मिलता है तो दैट विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद द अपर न्यूरोमोटर डिसऑर्डर. After one year negative, मैंने कहा true का मतलब it will be. यदि negative बाबिन्स्की reflex होगा, the response to the plantar flexion. You can see everybody. After one year true बाबिन्स्की reflex indicate disease of the upper neuromotor. After one year negative बाबिन्स्की reflex respond to the plantar flexion. ये देखिए plantar flexion का put किया. इस तरीके के question आपके competitive exam में पूछे जाते हैं my loving future nursing officer. मैंने कोशिश की बच्चों, रिफ्लेक्सेस का टॉपिक यहां पर पूरा नहीं हुआ. मैं कोशिश करूंगा इसको कैरी ऑन करूं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाने का मन करता है, बहुत कुछ आपको देने का मन करता है, बस वक्त की थोड़ी कमी है और मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा. ऐसा सोचता हूं कि कुछ नया लेके जाऊं, वो कंटेंट आपको दूं जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ाए, आपको नॉलेजेबल बने. याद रखना बच्चों, आपकी अपनी अमानत, आपकी अपनी प्रॉपर्टी, That is your knowledge. Nobody can escape. जिंदगी में सब कुछ छिनता है, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाता है. If you have knowledge, if you have that property, you will survive yourself. आप जिंदगी में डॉक्यूमेंट खो गए, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा. यदि आपके पास नॉलेज है ना बच्चों, आप जिंदगी में फिर उठ के खड़े हो सकते हो. आप जिंदगी में उस मुकाम पे पहुंचने की फिर से कोशिश कर सकते हो जो सपना आपने देखा था. तो हो सके जितना जिंदगी में इस प्रॉपर्टी को बढ़ाना, यहां पर नॉलेज को इतना भर के रखना है कि जहां जब जरूरत पड़े आप फटाफट उसका आंसर देते रहे. तो यू शुड मेक योर इंप्रूव योर प्रॉपर्टी, दैट इज योर नॉलेज. आज के बाद कभी भी नेगेटिव एनवायरमेंट में आप एंट्री नहीं लोगे, जहां नेगेटिव डिस्कशन हो रहा है, जहां किसी की बुराई हो रही है, जहां किसी के बारे में बुरी बातें हो रही है, आपको वहां कंट्रीब्यूट नहीं करना है. आपको सिचुएशन से खुद को एस्केप कर लेना है, बिकॉज वी आर हॉनेस्ट, वी आर ट्रू, वी आर रियली डूइंग हार्डवर्क. तो हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ईमानदारी के साथ, हार्डवर्क के साथ. अपने पास इतना वक्त होना भी नहीं चाहिए कि हम किसी की बैठ के बुराई करें. जितना टाइम आपको मिले अपने अच्छाई और अपने जिंदगी में कुछ करने के बारे में सोचो. तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कल फिर मुलाकात करूंगा एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर के साथ. कहीं नहीं जाएगा, कल फिर मिलेंगे, फिर इसी एनर्जी के साथ एक और क्लास को कंडक्ट करेंगे. क्योंकि अभी तो पीडियाट्रिक चल रही है, पीडिया पूरी होने के बाद अभी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको और हमें पढ़ना है. बड़ी जिम्मेदारी उठाई है और इस बड़ी जिम्मेदारी को हौसले के साथ, डेडिकेशन के साथ पूरी भी करेंगे. आपका साथ बना रहे, आपका भरोसा बना रहे. जिन बच्चों ने जेएनसी का लोगो ना लगाया वो जरूर जेएनसी का लोगो लगाए, ताकि मुझे और कार्बोहाइड्रेट मिले और मेहनत करूं आप लोगों के लिए. अपना ख्याल रखना, किसी की बुराई मत करना, ना किसी के बारे में बुरा बोलना, ना किसी के पीठ पे बोलना, ना बड़ी बड़ी फेंकना.
हो सके तो किसी का भला करना, जिंदगी में हमेशा खुश रहना। और एक एडवाइस आपको देता हुआ जाता हूं बच्चों, यदि रियली आपको लगता है कि जेएनसी आपके लिए एफर्ट लगा रहा है तो क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की आपकी जवाबदारी है। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं जहां पर भी आपकी जेएनसी क्लास पहुंचेगी ना तो स्टूडेंट आपको शुक्रिया जरूर कहेंगे। और मेरी कोशिश है हर उस सोए हुए फ्यूचर गाना और वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप निभा सकते हो। मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट डिलीवर करूं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम बहुत अच्छा कर पाए। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।